consider the following two functions, fx is equal to x square, fx is equal to x square, and gx is equal to x plus 3 square minus 6. How is the function gx shifted compared with function f? अब इसमें अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को तो यहाँ एफ एक्स में एक्स में 3 ऐड किया गया. 3 एक्स में ऐड करने का मतलब है कि ये फंक्शन एफ एक्स के मुकाबले में एफ फंक्शन के मुकाबले में 3 यूनिट लेफ्ट पर गया है. ये पहला पॉइंट. ये जो 3 जब हम एक्स में ऐड करते हैं तो जितना ऐड करते हैं उतना यूनिट लेफ्ट की तरफ फंक्शन शिफ्ट कर जाता है. तो यहाँ से हमें पता लगता है 3 यूनिट लेफ्ट ये फंक्शन शिफ्ट हुआ है. ये पहला पॉइंट हमारे सामने आ गया है, नंबर वन. फिर अप और डाउन के लिए अगर हम टोटल फंक्शन के अंदर कोई कांस्टेंट ऐड करें तो उतने ही कांस्टेंट यूनिट अप फंक्शन शिफ्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 6 माइनस हो रहा है. इसका मतलब है 6 यूनिट डाउन गया फंक्शन. तो 6 यूनिट डाउन. इन दोनों को मिलाकर देखें तो हमारे पास आंसर आता है ऑप्शन ई, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है.